सुबह का 8 बजे था, मैं ऊपर से अपनी ऊपर से मंजिल से नीचे की पूजा होती है तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दो लड़कों ने कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं बाहर। दरवाजा खुला तो लड़के खड़े थे, यंग लड़के थे। उन्होंने कहा कि हम पुलिस से हैं और आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, आप हमारे साथ करना। जिस समय जो मुझसे बात कर रहे थे इसी समय एक पुलिस की तरफ गाड़ी भी आ गई। बाद में ठीक है मैं चलता हूँ। मैं उस समय बनियान पहना हुआ था, पजामा पहना। मैंने ठीक है मैं कपड़े बदल कर भी चलता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं और वैसे ही मुझको पकड़ करके वहां से पकड़ के गाड़ी उड़ा और ले गए और थाने में ले जाकर के मुझको बैठा दिया। वहां मैंने घर से कपड़े मंगा करके पहने। मुझे 8 बजे से लेकर के और ये 1 बजे तक मुझको थाने में बैठाए रहे। ना तो मुझे किसी ने ये बताया कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्या है, ना ये बताया गया कि कंप्लेंट की किसने है। उसके बाद 1 बजे जो मुझको लेकर के चले मेडिकल कराने के लिए, तब मेरे दिमाग में कहीं कुछ आया कि ये शायद उनको बंद कराने के लिए जेल भेजने की तैयारी होती है। मेडिकल कराने के बाद जो कोर्ट में आए, कोर्ट में उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा किया और किया। तब तक वकीलों को पता चल गया था, मेरे तमाम साथियों को, दोस्तों को, रामपुर के सब वहाँ पहुँच गए थे। जब कोर्ट में मामला गया तब मुझको पता चला कि ये फेसबुक पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ एक उनका दमनात्मक रवैया है, उस पर इन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की। एक तो पता मालूम हुआ कि 153A और 295A के अंतर्गत संगीत धाराएं लगा करके मुझको बंद करने का इनका इरादा था। सीजम कोर्ट में मामला गया, सीजम ने पूरे मामले को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि फेसबुक की टिप्पणी पे कोई क्राइम नहीं बनता है और मेरी बेल उन्होंने तुरंत स्वीकार की। मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिसके लिए से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बेल मिलने के बाद मैं घर चला गया तो पता चला कि मेरे पीछे 10-15 पुलिस वाले मेरे घर पे गए और मेरे स्टडी रूम के अंदर वहाँ इधर उधर खुड़बुद करके मेरा कंप्यूटर, USB, माउस सब उठा गए। उसमें मेरी कई किताबें हैं अनपब्लिश्ड, 200-250 आर्टिकल्स हैं उसमें जो मैं डायरेक्ट उसी पर लिखता हूँ, उसी के अंदर हैं, वो चले हैं। अब मुझे डर है कि वो उसका क्या करेंगे, खुदबुद करेंगे, डिलीट करेंगे, क्या करेंगे। मैंने एप्लीकेशन कोर्ट में डाली हुई है कंप्यूटर वापस लेने के लिए, लेकिन अभी तक कंप्यूटर वापस नहीं मिला। नेक्स्ट डे उन्होंने आदम खान के मीडिया प्रभारी ने जिनकी कंप्लेंट की ये सारी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि मीडिया प्रभारी जो आदम खान के हैं वो स्वयं में इतनी ताकतवर नहीं है कि उनकी कंप्लेंट पर पुलिस इतना बड़ा एक्शन लेती, तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था आदम खान का और आदम खान की वजह से पुलिस दबाव में आई, ये सब कुछ हुआ। नेक्स्ट डे जो है उन्होंने अपने कुछ उलेमाओं को, कुछ मुस्लिमों को, कुछ लोगों को मेरे खिलाफ SP और DM का दबाव बनवाया कि इन पर NSA लगाई जाए और NSA अगर इन पर नहीं लगाई जाती है तो हम जो है घेराव करेंगे और ईद तक की मोहलत देते हैं, ईद के बाद हम पूरा घेराव करेंगे और इन पर लगाई जानी चाहिए। इन्होंने ईश निंदा की, उनको इल्जाम लगाया कि इन्होंने ईश निंदा की। मेरे फेसबुक टिप्पणियाँ आरक्षण के ऊपर है और एक दुर्गा शक्ति नागपाल के संबंध में है। दुर्गा शक्ति नागपाल के संबंध में टिप्पणी में मैंने ये कहा था कि आपने नोएडा में मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया कि उन्होंने एक रमजान के महीने में मस्जिद गिरा करके सांप्रदायिक माहौल खराब किया और वजह से आपने उनको सस्पेंड किया। तो मैंने उस पर लिखा कि रामपुर में रमजान के महीने में 23 जुलाई को 2 मदरसे तोड़ दिए गए जो दीनी तालीम के केंद्र थे, इस्लामिक केंद्र थे, और उनके संचालकों को जेल भिजवा दिया गया और यहाँ भी यही उन्होंने ग्राउंड रखी थी कि इलीगल कास्ट
कार्य को सस्पेंड क्यों नहीं किया? जब आप सद्गुरुवा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पर यह टिप्पणी की थी कि यहां किसी को सस्पेंड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहां पर अखिलेश का राज नहीं चलता, आजम खान का राज चलता, और ये आजम खान के इशारे पर काम हुआ। आजम खान को यही बात नागवार गुजरी क्योंकि जिस चीज को वो छुपाना चाहते थे मीडिया से और लोगों से वो चीज मेरे द्वारा हाईलाइट हो गई, और इस और मेरे द्वारा हाईलाइट होने के बाद उनको बहुत दुख हुआ। दूसरी टिप्पणी मैंने आरक्षण के संबंध में की थी कि जो इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग ने जो नियम के अंतर्गत मेरिट में जो पिछड़ी जातियों के स्टूडेंट्स आए थे परीक्षार्थी आए थे उनको उन्होंने जनरल कैटेगरी में डाल करके तो उस पर उन्होंने उसको वापस लिया, और वापस लेने के बाद आरक्षण समर्थकों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और आंदोलन हुआ, अत्याचार हुई सब हुआ। तो मैंने उसके लिखा कि आरक्षण के मुद्दे पर प्रभा शक्ति नागपाल के मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, और ये उत्तर प्रदेश के चार मुख्यमंत्री जिसमें आजम खान, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह और अखिलेश, ये चार मुख्यमंत्री अपनी पीठ इतनी ठोक गई लेकिन जनता में इस मुद्दे को लेकर इनकी छूट हो गई। इस बात इसके बाद मेरी फेसबुक पर चार दो कमेंट नहीं है लेकिन पता नहीं ये कहां से कहते हैं कि मैंने उसमें ये भी लिख दिया कि आजम खान को रोकने में अल्लाह भी सक्षम नहीं है, खुदा भी इनको नहीं रोक सकता, इनके मामले में दखल नहीं। ये आजम खान क्योंकि खुद सामाजिक माहौल रामपुर का बिगाड़ना चाहते हैं और शुरू से बिगाड़ते आए हैं, ये समाजवादी चोले के अंदर एक सांप्रदायिक व्यक्ति है रामपुर का, इससे पहले भी सांप्रदायिक दंगा करा चुके हैं रामपुर। इनका पूरा इरादा था कि इसको दुर्गा नागपाल से या मदरसे से हटा करके ध्यान और धर्म की तरफ मोड़ दिया जाए, ये ईस्ट निंदा का सवाल है। जबकि ये कई अपने भाषणों में लोगों के पास इस बात की सीढ़ी मौजूद है, रामपुर में कह चुके हैं आजम खान कि ऊपर के फैसले खुदा करता है और नीचे के फैसले न करता। जब ऊपर के फैसले खुदा करता है और नीचे के आप करते हैं तो आप ईस्ट निंदा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के ये उसको बवाल बनाना चाहते हैं। उसी दिन से मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, मेरे घर के चक्कर काट रहे हैं, कुछ अवांछनीय इलीगल तत्व जो है असामाजिक तत्व मेरे घर पे सुबह शाम चक्कर काट रहे हैं, मुझे भयभीत कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। मैं बाहर नहीं निकल सकता, मार्केट में नहीं जा सकता, मेरी ये स्थिति कर दी है। वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं मानसिक तनाव में इतना आ जाऊँ कि मैं मेरा सारा कुछ अपना मैं कुछ करना पाऊं या आदमी खुद ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो मैंने इसको बात को उठाया था, हालांकि मुझे उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास है, अपनी सरकार पर भरोसा है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न पर वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे संविधान के उल्लंघन हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे मामले को देखेगी और संविधान का विरोध वो नहीं करेगी।